one large size onion, two garlic cloves, bell pepper, two या three according to your taste. ये sweet होती हैं, इनका मीठा मीठा taste होता है. तो as you wish, आप दो लेना चाहें या तीन लेना चाहें. 1 kg chicken है मेरे पास, आप chicken का कोई बस सा भी part ले सकते हैं, it's up to you. चाहे आप breast piece ले लें, चाहे आप whole chicken ले लें, चाहे chicken wings ले लें, ये सब में ही बहुत मज़े का बनता है. मैं स्किन के साथ ले रही हूँ और स्पाइसेस सब आपको लिखे हुए नज़र आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर. अब मैं इन सब को ब्लेंड कर लूँगी. आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिलीज़ का ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इंस्टेड ऑफ रेड चिली पाउडर. जितनी आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे यानी कि वेजिटेबल्स, और उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा. ये सारे स्पाइसेस जा रहे हैं, पेपरिका पाउडर, जिंजर पाउडर, सॉल्ट और कोरिएंडर पाउडर, ये वेजिटेबल ऑयल 1/4 cup. अगर आप ना भी डालना चाहें तो इट्स ओके, चिकन का अपना भी एक, हर चीज़ का अपना भी एक ऑयल होता है. मैंने पानी डाला है साथ में ताकि अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए. अगर आपका वैसे ही ब्लेंड हो जाएगा तो इट्स ओके, आप पानी को स्किप कर सकते हैं. ये अब मैंने सारा बैटर डाल के उसको अच्छे तरीके से, जितने उसके ऊपर कट्स लगे हुए हैं उन सब के अंदर डालने हैं मसाला, ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए. अगर आप सारी रात के लिए मैरिनेशन रखेंगे तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैक्सिमम टू टू थ्री आवर्स इसकी मैरिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. ये अब मैं ट्रे में सारे बेकिंग पेपर लगा के सब रख दूँगी उसके ऊपर. और ये सारा, ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे तरीके से उसके ऊपर मसाले की एक कोटिंग आ जाए, वो बहुत यम्मी बनता है फिर. ये आप देख सकते हैं, मैं सारा कुछ अब इसके ऊपर पोर करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी दोनों तरफ से. ये आप देख सकते हैं, आपके अपने ओवन पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा. हर ओवन का मुख्तलिफ सिस्टम है. तो मैं यहाँ पे 250 डिग्रीज पे रख रही हूँ फॉर 30 आवर्स ऑन वन साइड. दोनों साइड्स को हम 30-30 मिनट्स देंगे ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाएं दोनों साइड्स. आप ये देख सकते हैं इनको कितना प्यारा कलर आया है. ये बहुत यम्मी बनते हैं. अगर आई विश मैं आपको अपने किचन में स्मेल करवा सकती कि कितनी प्यारी, कितनी यम्मी खुशबू हुई थी मेरे किचन में. ये बहुत मज़े का बनता है. यू मस्ट ट्राई दिस चिकन. आप इसको स्पाइसी भी रख सकते हैं और बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हैं. ये देख सकते हैं आप, दूसरे आफ्टर 30 मिनट्स इसको दूसरी तरफ भी कितना प्यारा कलर आ चुका है. बहुत खूबसूरत, बहुत टेंडर. और ये देखिए, मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ के दूसरे हाथ से इसको आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कितना टेंडर, कितना जूसी है ये. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी. सो प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ. Keep like, share and subscribing. Thanks for watching. Take care yourself. Allah Hafiz. Bye-bye.